बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल डेकोर आइडियाज़। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में आप देख सकेंगे बहुत ही हसीन और खूबसूरत स्टाइलिश स्टोन क्राफ्ट आइडियाज़। और ये आप आउटडोर इनडोर आउटडोर डेकोरेशन के लिए आइडियाज़ देख सकते हैं। इसमें बहुत से खूबसूरत पेंट के साथ टेक्निक्स दिखाई गई हैं। आप डिफरेंट पेंटिंग के साथ किस तरीके से इन स्टोन्स को डेकोरेट कर सकते हैं, वॉल डेकोर की जा सकती है और लॉन डेकोर के लिए भी बहुत से आइडियाज़ इसमें मौजूद हैं। इससे पहले मैं आपको इनकी तमाम टेक्निक्स दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आप ये किस तरह से बना सकते हैं। तो आप पहले इनको ड्रॉ करें पेंसिल की मदद से और फिर इन्हें डिफरेंट ब्रश की मदद से या मार्कर की मदद से भी आप इन्हें पेंट कर सकते हैं। और इनमें जो पेंट यूज़ किया जाता है, ऑयल पेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें मार्केट में इजीली बहुत से पेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप मैट लुक देना चाहते हैं तो आप पोस्टर कलर की मदद से भी इन्हें पेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तमाम आइडियाज़ पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन, न्यू फ्रेश आइडियाज़ एंड लेटेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग ये हसीन और ख़ूबसूरत क्राफ्ट आइडियाज़ देखते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कलरफुल और ख़ूबसूरत आप वॉल के लिए सीनरीज बना सकते हैं। सिंपल टेक्निक्स हैं, आप सिंपल इनको पेंट करें और आप वुड पे इसे ग्लू की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम पॉट वगैरह पर इन्हें डेकोरेट कर रहे हैं तो आप उस पर सीमेंट के साथ इनको लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पक्के लगते हैं और आपका मजबूत पॉट तैयार होता है। तो आई होप कि आप ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। जैसा कि अब ईद आने वाली है तो ईद पर हर कोई कोशिश करता है कि हम अपने घर को खूबसूरत से खूबसूरत डेकोरेट करें, तो ये बहुत से खूबसूरत आइडियाज़ हैं। आप इस ईद पर इन आर्ट एंड क्राफ्ट की मदद से बहुत सी खूबसूरत चीज़ें तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं। जैसा कि मैं अक्सर ही आपको पुरानी चीज़ों की मदद से नई चीज़ें बनाना सिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एक आम से पत्थर है लेकिन आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी के ज़रिए कितनी खूबसूरत चीज़ें तैयार कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी आपकी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी जानिब से आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।